हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य कर रहे होंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 11 मार्च 2022 क्रमांक संख्या 44 आज की कार्य पत्रिका कक्षा नर्सरी के लिए है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका का नाम अगर आपको लिखना आता है तो अच्छी बात है बच्चों, नहीं तो घर में किसी बड़े की सहायता ले लीजिएगा, वो आपकी मदद करेंगे। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्या दिया गया वर्कशीट में। हेलो किड्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड्स। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। पार्ट वन, कम लेट्स लिसन अ स्टोरी ऑटो एंड हिज ऑफिस। यहाँ पे चलिए एक स्टोरी पढ़ते हैं ऑटो और उसके ऑफिस के बारे में। ऑटो इज एन ऑस्ट्रिच। ऑटो कौन है? एक ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। ये देखिए ये ऑस्ट्रिच है। ही हैज अ फ्रेंड ओली, और उसका एक दोस्त है जिसका नाम है ओली। ओली इज एन ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस है बच्चों। ओली कौन है? एक ऑक्टोपस। वन डे ऑटो इनवाइट हिम टू हिज ऑफिस। उसने अपने दोस्त को कहाँ पे इनवाइट किया? अपने ऑफिस में। ये उसका ऑफिस है। ब्रिंग द ऑरेंज फॉर हिज ऑटो। यहाँ पे ब्रिंग द ऑरेंज, ये उसने जो ओली था उसने ऑटो के लिए ऑरेंज ले लिया, ऑरेंज लेकर गया था। ऑटो गिव्स हिम ऑलिव्स टू ईट। उसने उसे ऑलिव दिया ये खाने के लिए। क्या दिया बच्चों? ये ऑलिव्स। देन ऑटो टर्न ऑफ द लाइट्स एंड दे लिव फॉर देयर होम्स। उसने लाइट्स ऑफ की और अपने घर के लिए चला गया। तो यहाँ पे देखिए तो मज़ेदार थी ना बच्चों ये कहानी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। पार्ट टू, होप यू आर इंजॉय द स्टोरी। कम लेट्स रिकॉल इट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए आपको कहानी तो आपने इंजॉय की होगी, आशा करती हूँ कि आपने इंजॉय की होगी। और चलिए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है उसे करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन वन, हु इज ऑटो। तो यहाँ पे ऑक्टोपस दिया है पर ऑटो कौन था बच्चों? यहाँ पे स्टोरी में क्या था ये देखिए। ऑटो इज एन ऑस्ट्रीच, तो ये ऑक्टोपस नहीं आएगा, ये गलत है बच्चों। यहाँ पे ऑस्ट्रीच आएगा, तो यहाँ पे ओ एस टी आर आई सी एच, तो ऑटो कौन था? ऑस्ट्रीच यानी शुतुरमुर्ग। दूसरा है, वेयर डज ही इनवाइट हिज फ्रेंड। तो उसने अपने दोस्त को कहाँ बुलाया? टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस बुलाया। थर्ड, व्हाट डज ओली ब्रिंग फॉर ऑटो। ऑटो ओली ने ऑटो के लिए क्या ले गया था? वो ऑरेंज ले गया था। फोर्थ, व्हाट डज ऑटो गिव हिज फ्रेंड टू ईट। वो अपने दोस्त को खाने के लिए क्या दिया था? ऑलिव्स खाने को दिया था। चलिए बच्चों, Now can you tell me the first sound of their words? Right, the first sound is O. तो यहाँ पर पहला sound देखा था ना आपने बच्चों स्टोरी में, क्या आ रहा है? O आ रहा है। O for ostrich, O for octopus, O for office, O for olives, O for orange. ये देखिए ये orange, ये off, ये olives. तो O sound आ रहा है सबसे ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट थ्री, कम लेट्स सर्कल द पिक्चर विच बिगिन विद द साउंड ऑफ लेटर ओ। यहाँ पे जो पिक्चर दी गई बच्चों ओ साउंड से शुरू होने वाले पिक्चर पे हमें सर्कल करना है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। ओ फॉर ऑयल, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑमलेट, ओ फॉर ऑस्ट्रिच, ओ फॉर ऑक्स। ये सब ओ से शुरू होने वाले, ऑयल, ऑरेंज, ऑस्ट्रिच, ऑमलेट और ऑक्स। चलिए पार्ट फोर, नाउ लेट्स मेक अ ऑक्टोपस यूजिंग कलर पेपर एंड न्यूज़पेपर जस्ट लाइक आई डिड। ये देखिए मैंने ऐसा बनाया है। आप कलर पेपर की सहायता या न्यूज़पेपर की सहायता से आप इस तरह से ऑक्टोपस बना सकते हैं बच्चों। इसे पहले इस तरह से काट देंगे तो आपको इसके आर्म्स मिल जाएंगे। फिर इस तरह से काट काट के इसके 8 आर्म्स बनाने हैं। फिर इसकी दो गुगली आईज चिपका दीजिए, ये स्माइली, या अपने हाथों से भी आँख बना सकते हैं। बहुत इजी है बच्चों, ट्राई करिएगा, बड़ा प्यारा लगता है, मैंने ऐसे बनाया है।
नोट, माता पिता कार्य करने में बच्चों की सहायता करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को लेटर ओ की आवाज़ की पहचान कराने के लिए लेटर ओ से शुरू होने वाली वस्तुओं के नाम का अभ्यास कराया जा सकता है, जैसे ऑलिव्स, ऑमलेट, ऑन, एक्ट, एक्सेट्रा। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी बाहर निकले बच्चों मास्क जरूर लगाएं। कोरोना को हराना है तो हमें मास्क लगाना है। उम्मीद करते हैं कि मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई है तो बच्चों लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।